यहाँ पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहीं से ही निकलती हैं मुर्रे और डार्लिंग नदियाँ। सबसे नीचे है मुर्रे और उसकी सहायक नदी है डार्लिंग नदी, विक्टोरिया झील, और यहीं से ही जो नदी निकलती है उसका नाम है वाइट नील। वाइट नील नदी में दाहिनी ओर से ब्लू नील जो है वो आकर के मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरी अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम विश्व की प्रमुख नदियों से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को अपने इस क्लास में करेंगे, और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आप देख रहे होंगे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये है अफ्रीका का मैप। ये जो नदी है ये है कांगो, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है। यहाँ पे आप स्टार वाले पॉइंट पे देख रहे होंगे कि ये 2 बार जो है वो विषुवत रेखा को काटती है, एक बार यहाँ और एक बार इस दूसरे वाले स्टार पे। ठीक इसी प्रकार से आप अफ्रीका के साउथ भाग में देखेंगे जो लिम्पोपो नदी है, यहाँ पे लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप दिया गया है कि मुर्रे और डार्लिंग नदियाँ किस पर्वत से निकलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यहाँ से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। अब एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये जो मुर्रे डार्लिंग नदियाँ हैं ये कहाँ पर बहती हैं। तो ये देखिए आप, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, और ऑस्ट्रेलिया के मैप में पूर्वी साइड में यानी कि ईस्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहीं से ही निकलती हैं मुर्रे और डार्लिंग नदियाँ। सबसे नीचे है मुर्रे और उसकी सहायक नदी है डार्लिंग नदी, जो कि मुर्रे में आकर के मिलती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए दिया गया है कि नाइजर नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाम रिवर यानी कि पाम नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। और आप देखिए, और यहाँ पे है नाइजर या पाम रिवर, इसे पाम नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यहाँ पे आप मैप में देखिए कि यूरोप महाद्वीप का ये जो देश है इटली, यहाँ पर बहती है पो नदी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है पो नदी। इटली के ऊपर ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये दोनों देश आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा रिवर, यानी कि वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्या आप जानते हैं कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। तो जो डेन्यूब नदी है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि मेडेरिया, इसे मेडिरा मेडिरा कहीं कहीं आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा कि मेडिरा किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेजन नदी की जो सहायक नदी है वो है मेडिरा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए दिया गया है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट लॉरेंस नदी पर है नियाग्रा जलप्रपात। ये विश्व का सबसे खूबसूरत जलप्रपात है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में, ये जो है ये है नियाग्रा जलप्रपात जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि टेनेसी नदी किस पर्वत से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपलेशियन जो पर्वत है वहाँ से टेनेसी नदी निकलती है, और जो आपलेशियन पर्वत है ये अमेरिका में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप दिया गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यांगटीसी क्यांग। ये जो नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ पे बहती है तो एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है यांगटीसी क्यांग नदी, जो कि चाइना की सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। और ऊपर आप देखिए ये है येलो रिवर। येलो रिवर को ह्वांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे चीन का शोक कहा जाता है, जिस प्रकार से कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है उसी प्रकार से ह्वांगो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी पर बनाया गया है आसवान बांध। एक बार आप मैप में देखिए और यहाँ पे ब्लू कलर में देख रहे होंगे ये है विक्टोरिया झील, और यहीं से ही जो नदी निकलती है उसका नाम है व्हाइट नील। व्हाइट नील नदी में दाहिनी ओर से ब्लू नील जो है वो आकर के मिलती है। यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाइट नील और ब्लू नील इन दोनों का संगम कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों का जो संगम है वो सूडान की राजधानी खारतून यहाँ पर होता है। व्हाइट नील और ब्लू नील ये दोनों नदियाँ सूडान की राजधानी खारतून में मिलने के बाद ये नील नदी बन जाती है, और आगे ये मिस्र में बनाया गया है आसवान बांध। जो ये आसवान बांध है इसके पीछे नासिर झील स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोराडो जो नदी है वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ये जो ग्रैंड कैनियन है ये अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसिसिपी जो रिवर है वो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और देखिए आपकी मिसौरी जो है वो मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये दोनों जो नदियाँ मिलकर के पक्षी पार डेल्टा का निर्माण करती हैं अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना जो नदी है ये साउथ अमेरिका में स्थित है और इसी नदी पर एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात की क्या विशेषता है, तो एंजल जो जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया जिसे आसियान कहते हैं की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेकोंग जो नदी है वो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। साउथ ईस्ट एशिया में कुल कितने कंट्रीज आते हैं, तो इसमें जो है टोटल 10 कंट्री आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये 10 देश जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो नदी है ब्लू कलर में ये है मेकोंग नदी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि पक्षपात, तो ये पक्षपात नहीं होगा ये पक्षीपात होगा, तो आप इसको ठीक करिएगा, कि पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी और मिसौरी जो नदियां हैं इनके द्वारा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीन नदी के तट पर है फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महावली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है श्रीलंका का मैप और यहीं पर ही स्थित है महावली गंगा। ठीक, ये है महावली गंगा रिवर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को जर्मनी की जीवन रेखा माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी। इसको जर्मनी की जीवन रेखा, साथ ही साथ इसे कोयला ढोने वाली नदी
सबसे साफ नदी और सबसे व्यस्त नदी, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिए दिया गया है कि मध्य एशिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आमुदरिया जो है वो मध्य एशिया की सबसे प्रमुख नदी है और सालविन तथा इरावती ये बर्मा यानी कि म्यांमार में बहती हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, नील नदी, राइन नदी, ओब नदी, ये सभी जो नदियां हैं वो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ओब नदी जो है वो अपने चौड़े मुहाने के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।